आज हमारा बलरामपुर विकास की एक नई उपलब्धियों की उच्चता दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था इससे पहले बलरामपुर की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी? आज तो बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होने जा रहा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के रूप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बलरामपुर जिले में थारू संग्रहालय का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बलरामपुर जनपद अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ एक ऐसा जनपद है जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले आकांक्षात्मक जनपद था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, स्वास्थ्य की सुविधाओं में पिछड़ा माना जाता था, कृषि और जल संसाधन के मामले में पिछड़ा माना जाता था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार में पिछड़ा माना जाता था, फाइनेंशियल इंक्लूजन में वित्तीय समावेशन में पिछड़ा माना जाता था। लेकिन अब आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपद की श्रेणी में तेजी के साथ बलरामपुर जनपद ने कदम बढ़ाए हैं और विगत 3 वर्ष के अंदर बलरामपुर जनपद ने जो छलांग लगाई है वह बहुत सराहनीय है। लेकिन इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। बलरामपुर जनपद आज समय आगे बढ़ चुका है, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रेल की कनेक्टिविटी और अच्छी करने के प्रयास हो रहे हैं। बलरामपुर के बगल में ही श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और यही नहीं उच्च शिक्षा के लिए अब आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्यक्रम भी इस कमिश्नरी के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। यानी ये चीजें दिखाती है कि विकास की प्रक्रिया किस तरीके के साथ आगे बढ़ी है।